एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आप पर बात करेंगे जो एसिस टिटन साइप्रस का आज के दिन का दूसरा मुकाबला होगा, जो खेला जाएगा लिम्सल कलंदर वर्सेस निकोजिया टाइगर्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना है। ये मुकाबला 1 बजे स्टार्ट होगा, सेम ग्राउंड पर मैच है, आर्टिफिशियल विकेट है, एवरेज स्कोर 80 से 100 बनता है। 10 मैचेस हो चुके हैं, 2 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 7 में चेज हुआ है, मतलब चेज करने वाली टीम को एडवांटेज है। लिम्सल कलंदर की टीम की बात करूँ तो 4 में से 2 मैच जीते, 2 मैच हारे। अब जो लास्ट मैच इनका हुआ था ना, वहाँ पर ओपन किया था वरुण मल्होत्रा और सोहेल अहमद ने। वरुण मल्होत्रा पहले बीच में 2 मैच ना बैटिंग नहीं आई थी इसकी, बहुत नीचे बैटिंग कर रहा था, लेकिन उसके बाद में ओपन आ गया। 8 नो बैटिंग 15 है, उतना खास मेरे को रिकॉर्ड लगा नहीं, छोड़ सकते हो। सोहेल अहमद एक अच्छा प्लेयर है, 17 3 21 11 है, बॉलिंग तो करवा नहीं रहा लेकिन एज अ बैटर इंपॉर्टेंट है। अहमद वलीद कल 2 मैच खेला, पहले मैच ने 1 रन किया, बॉलिंग नहीं करवाई थी। दूसरा जब मैच खेला तो वहाँ पर 4 रन किए, सिर्फ 1 ओवर डाला, उसमें 2 विकेट थे। और ये ना एक अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर है, 2 T20 के मैच में 26 रन 2 विकेट है इसके नाम, तो ट्रंप बन सकता है आपके लिए। प्रशांत पटेल कंसिस्टेंटली अपने 2 ओवर डालेगा प्लस बैटिंग करेगा, 4 मैच में 1 विकेट, बल्ले से 10 नॉट आउट, 5 नॉट आउट, 0 नॉट आउट, 23 नॉट आउट है, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद फारूक बॉलिंग नहीं करवा रहा, सिर्फ बैटिंग कर रहा है, 16 हैं, 36 नॉट आउट हैं, इसके अलावा 2 हैं और यहाँ से नीचे अगर आप देखोगे तो 0 हैं। तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है क्योंकि बॉलिंग नहीं करवा रहा, तो छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन एज अ CVC तो मत रखना टीम में। मोहम्मद मोहसिन 4 मैच में 3 विकेट, लगातार 2-2 ओवर अपने डाल रहे हैं, ओवरऑल 5 मैच में 5 विकेट है। नवीद अख्तर, अब देखो T10 के जलवे, पहले 3 मैच में इस बंदे ने एक भी बॉल नहीं डाली, एक भी बॉल, लास्ट मैच में इसने बॉलिंग करवाई, 3 विकेट ले गया। अब इसको आप टीम में रखोगे बिल्कुल, लेकिन इसका बॉलिंग करवाना कंफर्म नहीं है, मैं बता दूँ। यही चीज़ नोमन मुनीर के साथ हुई, पहले मैच में 2 विकेट, उसके बाद में अगले 3 मैच में बॉलिंग नहीं, तो मतलब थोड़ा सा आप समझ रहे हो चीज़ें कि कुछ भी कर सकते हैं लोग। नवीद अहमद 1 ओवर डाला विकेटलेस, परमिंदर सिंह लास्ट मैच के लिए बैटिंग बॉलिंग नहीं, जुनैद भट्टी लगातार 2-2 ओवर डाल रहा है लेकिन विकेट सिर्फ 1 हैं। तो मैं इनकी टीम के ज़्यादा प्लेयर यहाँ पर पिक करूँगा नहीं, मैं रखूँगा सोहेल अहमद, प्रशांत पटेल, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद मोहसिन। अब आप चाहो तो यहाँ से जो यहाँ पर देख सकते हो आप एक और प्लेयर ना, अहमद वलीद और नवीद अख्तर, इन दोनों में से चाहो तो किसी एक के साथ जा सकते हो, मैं अभी ट्राई नहीं करूँगा। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे मोहम्मद मोहसिन, जुनैद भट्टी डेथ में आएंगे, नवीद अख्तर, अहमद वलीद। बात करेंगे निकोजिया टाइगर्स की, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ये। जब मैच स्टार्ट होगा ना निकोजिया टाइगर्स का, इससे पहले इनका एक मैच और रहेगा जो कि रहेगा नापा रॉयल किंग्स से, और उस मैच में खेल चुकी रहेगी, 4 मैच जीती हैं। ओपन करेंगे मजुमदार, जिसन महमूद। मजुमदार भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, 4 मैच में 3 विकेट, बल्ले से 32 13 4 25 है, बिल्कुल टीम में होना चाहिए। जिसन महमूद भी बहुत बढ़िया फॉर्म में है, 22 2 विकेट 46 नॉट आउट 1 42 नॉट आउट है, विकेट कीपिंग कर रहा है तो बॉलिंग नहीं करवाएगा। तोमन अमीनुल 6 रन 0 विकेट और यहाँ पर 24 नॉट आउट 2 विकेट है, मस्ट पिक होना चाहिए बैटिंग बॉलिंग दोनों से। यासिर महमूद 4 मैच में 5 विकेट, बल्ले से 1 और 28 हैं, ये भी बहुत शानदार प्लेयर है। जाहिद हसन देखो पहले 3 मैच में 4 विकेट है, आखिरी मैच में बॉलिंग नहीं करवाई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बॉलिंग करवाता है तो फिर विकेट लेता है। इफ्तिकार जमान 4 मैच में 4 विकेट, बल्ले से 15 और 33 नॉट आउट है। मुन्ना रहमान पहले मैच में बॉलिंग नहीं करवाई, दूसरे में 1 विकेट था, और अगर ये बॉलिंग करवाता है आज का जो पहला मैच होगा उसमें, तो आप इसको बिल्कुल टीम में रख सकते हो। सोहेल अदनान, रईदुल इस्लाम, विकास सरेष्टा और अनिक हुसैन, इनको उतना मौका नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से इनके 7 प्लेयर आप ऊपर के दिख रहे हैं ना, आपको इनको जरूर रख लेना। मजूमदार, जिसन महमूद, तोमन अमीनुल, यासिर महमूद, जाहिद हसन, इफ्तिकार जमान और मुन्ना रहमान। मुन्ना रहमान अगर बॉलिंग नहीं करवाता है पहले मैच में तो आप छोड़ भी देना। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले स्टेट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे यासिर महमूद, इफ्तिकार जमान, डेथ में आएंगे एम रहमान, टी अमीनुल, आर मजूमदार। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ, बात करूँ यहाँ पर डेमो टीम को, तो डेमो टीम में मैंने जेड महमूद को रखा है, बैटिंग सेक्शन से मैंने मजूमदार, इफ्तिकार जमान, एस अहमद को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से एम फारूक, मुन्ना रहमान, यासिर महमूद,
प्रशांत पटेल को रखा है, बॉलिंग सेक्शन से जाहिद हसन, तोमन अमीरुन और मोहम्मद मोहसिन को रखा है। तो ये कैप्टन मेरे मजूमदार वाइस कैप्टन इफ्तिकार जमान है, लेकिन ये डेमो टीम है। फाइनल टीम जो भी होगी टेलीग्राम चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। थैंक यू।